अपने मोबाइल के फ़ोटोज़ को लैपटॉप में कैसे ट्रांसफ़र करें। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने मोबाइल के फ़ोटोज़ या वीडियोज़ या और किसी भी फाइल्स को बहुत ही आसानी से USB केबल की हेल्प से अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप में USB स्लॉट्स होते हैं। इस लैपटॉप में 3 USB स्लॉट है, तो इनमें से जिस भी USB स्लॉट में आप चाहे ये अपने मोबाइल की जो यहाँ पर बात करें चार्जिंग की USB जो होती है उसको आपको एंटर करना है इस तरीके से, और दूसरा जो इसका यहाँ पर बात करें पार्ट है उसको आपको मोबाइल में इस तरीके से इंसर्ट करना है। अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन यहाँ पर शो ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑप्शंस जो आते हैं इसमें आपको एंड्रॉयड सिस्टम, तो इसमें आपको USB ऑप्शन में फाइल ट्रांसफ़र को सेलेक्ट करना है। अगर आपने नोट डाटा ट्रांसफ़र या चार्जिंग ओनली पर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपका फ़ोन शो ज़रूर होगा लेकिन फाइल एक भी नहीं दिखेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र या फाइल ट्रांसफ़र ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो जिससे कि आप अपने मोबाइल के डेटा को लैपटॉप में शेयर कर सकते हैं और लैपटॉप के डेटा को भी मोबाइल में शेयर कर सकते हैं कॉपी पेस्ट या यहाँ पर बात करें कट पेस्ट करके। तो यहाँ से आप इंटरनल स्टोरेज से फाइल्स को अगर यहाँ पर बात करें भेजना चाहते हैं लैपटॉप में तो वो भी आप बहुत ही आसानी से जो है यहाँ पर देख सकते हैं, और SD कार्ड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर आ गए इंटरनल स्टोरेज में, और यहाँ पर आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज के सारे फोल्डर शो हो जाएंगे। इसमें से आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें से आपको फाइल्स को जो है ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फाइल को या फाइल्स को, और उसमें आपको यहाँ पर कट और कॉपी दो ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें जो ये ऑप्शन है कॉपी का, तो इसमें क्या होता है जब आप ये सेलेक्ट करते हैं कॉपी का ऑप्शन और आप लैपटॉप के जो फोल्डर में जाकर वहाँ पर जाकर पेस्ट करते हैं तो वो फाइल यहाँ पर भी रहेगी जहाँ पर ये पहले थी, और जहाँ पर आप उसको पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी रहेगी। ठीक है, यानी कॉपी होगी। और कट और पेस्ट का मतलब है कि जहाँ पर ये फाइल थी पहले वहाँ से हट जाएगी और सिर्फ नई लोकेशन पर रहेगी जहाँ पर आप उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो वहाँ से हमने उसको यहाँ पर बात करें कॉपी कर दिया है, अब यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आप जिस भी फोल्डर में चाहे कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं उसको, या फिर नया फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं और नए फोल्डर में भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से वो फाइल या फ़ोटो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुकी है और हमने उसको किया है कॉपी, तो यहाँ पर भी वो फाइल रहेगी जहाँ पर पहले थी और नई लोकेशन में भी रहेगी जहाँ पर हमने उसे कॉपी किया है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन जो होता है कट का, तो उसमें क्या होता है जैसे कि हमने ये फाइल्स को यहाँ पर बात करें सेलेक्ट किया, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो भी आप ट्रांसफ़र करना चाहे वो कर सकते हैं। अब जैसे हमें सिर्फ उस फाइल को एक ही जगह पर रखना है, अपने फ़ोन से हटाना है और सिर्फ लैपटॉप में रखना है, तो यहाँ से कट कर देना आपको उन फाइल्स को सेलेक्ट करके, और लैपटॉप में जो भी CD या E जो भी ड्राइव है जो भी फोल्डर है उसमें आपको आना है, और यहाँ से यहाँ पर बात करें राइट क्लिक करके पेस्ट आपको यहाँ से उन फाइल्स को कर देना है। तो वो फाइल्स को हमने जो है वहाँ से किया था कट और यहाँ पर हमने पेस्ट किया है, तो वहाँ से हट जाएगी, यानी फ़ोन के जो फोल्डर में से हमने उसको कट किया है वहाँ से हट जाएगी और सिर्फ यहाँ पर रहेगी। तो इससे आपके फ़ोन में स्टोरेज भी जो है यहाँ पर बात करें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टोरेज भी यहाँ पर देख सकते हैं बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से जो है फाइल्स को फाइल्स या फोल्डर्स को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट कर सकते हैं, चाहे SD कार्ड में चाहे या इंटरनल स्टोरेज में चाहे। ठीक है, या इंटरनल स्टोरेज से आप फाइल्स को लेकर लैपटॉप में डाल सकते हैं और लैपटॉप की फाइल्स को भी आप इस तरीके से ही कॉपी पेस्ट
यहाँ पर जो है का यूज़ करके अपने फ़ोन में डाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। जैसे हमने डी ड्राइव से कुछ फाइल्स को यहाँ पर बात करें कॉपी किया है, अब हमें उनको यहाँ पर अपने फ़ोन के फोल्डर्स में डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने ये यहाँ पर बात करें नया फोल्डर क्रिएट किया है, तो इसमें हम जाकर सिंपली इसी तरीके से पेस्ट कर देंगे, तो ये लैपटॉप की फाइल्स भी इस तरीके से फ़ोन में कॉपी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन का डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लैपटॉप का डेटा फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूएसबी की हेल्प से। ठीक है, फ़ोन में चाहे आप इंटरनल स्टोरेज की बात करें या एसडी कार्ड की बात करें, दोनों जो है ऑप्शंस में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और फाइल्स ही नहीं, फ़ोटोज़ वीडियो ऑडियो ही नहीं, कोई भी आप फोल्डर भी ईज़िली इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये फोल्डर मैंने कॉपी किया और अब लैपटॉप या पीसी की जो सी डी या ई ड्राइव में जाकर पेस्ट कर देंगे तो फोल्डर भी पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं।